वेलकम टू रिव्यूज बाय ट्रेवल बीस्ट। आप सब लोग जानते हैं, एक नई पिक्चर आ रही है जो कि 12 जून को रिलीज हो रही है अमेजॉन प्राइम पे, गुलाबो सिताबो, जिसके मुख्य किरदार हैं श्री अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। तो आज हम आपको उसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है अमेजॉन प्राइम पे, उसका एक रिव्यू देंगे और आपको उसका रिएक्शन दिखाते हैं कि जब हमने उसका ट्रेलर पहली बार देखा तो हमारा क्या रिएक्शन रहा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर जो शुरू होता है वो अमिताभ बच्चन के एक हवेली के अंदर घुसने से शुरू होता है, जिसका नाम होता है फतिमा हवेली, फतिमा महल। फतिमा महल जो ट्रेलर से हमें लगता है वो एक अमिताभ बच्चन का पुराना हवेली है जो उन्होंने अपनी वाइफ के यादगार के रूप में रखी हुई है अभी तक। एंड इट्स प्रिटी ओल्ड, किसी पुराने जमाने की। आयुष्मान खुराना उसके अंदर एज अ टेनेंट रहते हैं और इन दोनों के बीच में आपस में काफी अनबन रहती है, खटपट चलती रहती है दोनों की अलग अलग चीजों को लेके। तो शुरुआत में भी आयुष्मान खुराना अमिताभ बच्चन को कुछ टॉन्ट मार रहे होते हैं किसी चीज को लेके, और अमिताभ बच्चन इसमें जो दिखाया है ही इज अ एल्कोहल एडिक्ट। तो वो एल्कोहल लेने के लिए, लिकर लेने के लिए छोटी छोटी चीजें चोरी करके बेचते हैं, जैसे कि बल्ब, जो कि इन्होंने दिखाया है ट्रेलर के अंदर कि आयुष्मान खुराना बल्ब के लिए लड़ रहे होते हैं अमिताभ बच्चन से। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके अमिताभ बच्चन इसमें अजमाते हुए नजर आते हैं, लाइक आयुष्मान खुराना की जो बाइक है उसको खड़ी करने के, वो कहते हैं कि हम मैं 50 रुपए की पार्किंग लिया करूंगा डेली की। तो उस पे भी इनकी आपस में अनबन होती है। फिर उसके बाद टॉयलेट भी जो लगता है कि एक ही होता है तीन चार लोगों के लिए, या जो भी उनकी उसमें टेनेंट रह रहे होते हैं हवेली में, तो उस पे भी आयुष्मान खुराना उसकी दीवार वीवार तोड़ देते हैं, उस पे इनका कुछ झगड़ा हो जाता है। तो एंड में अमिताभ बच्चन आयुष्मान खुराना से परेशान होके वकीलों के पास जाते हैं कि उनको अपने किराएदार से मकान खाली कराना है, और आयुष्मान खुराना छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वो उनको धमकी दे देते हैं कि मैं कॉलेज के गुंडे बुला लाऊंगा, कॉलेज के लड़के ले आऊंगा, ये सब हो जाता है। तो ट्रेलर के बाद में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन किस तरीके से एग्री करते हैं एडवोकेट्स को अपना लॉ केस करने के लिए, पुलिस आती है, सब कुछ होता है। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट जो दिखाया गया है एंड में, जब अमिताभ बच्चन तैयार हो जाते हैं अपनी हवेली बेचने के लिए, तभी आयुष्मान खुराना ले आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे मना कर देता है कि जब तक वो उनकी परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो हवेली नहीं बेच पाएंगे। तो ये कहानी जो ट्रेलर से हमें लगती है वो होगी इसके इर्द गिर्द ही रोटेट, जहाँ पे आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की तीखी नोकझोंक होंगी, कुछ अच्छी नोकझोंक होंगी। एंड में आपको ये भी सुनने को मिलेगा ट्रेलर के अंदर, जहाँ पे आयुष्मान खुराना कहते हैं कि आपका कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, तो आप मुझे कोई गोद ले लो जिससे कि वो हवेली में रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेलर को, देखते हैं ट्रेलर कैसा है। तो देखिए शुरुआत होती है फतिमा महल से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था लड़ाई होती हुई बल्ब के लिए। तो ये आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन बल्ब बेच के पैसे लेते हुए, और यहाँ पे 50 रुपये पार्किंग के। और अमिताभ बच्चन का मेकअप इतना अच्छा है कि आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे ट्रेलर में आराम से। बिना कागज के ही आ गए हैं मिलने। हमारी कैसे नहीं बेच सकते, लेकिन परमिशन हमारा लगेगा। अब मजा है,
ये जो खुदाई है, अब इसका रहस्य है कि ये खुदाई बेसिकली है क्या? तो फिल्म जो है सुजीत सरकार की, जिन्होंने विक्की डोनर, पीकू जैसी हिट फिल्में दी हैं। फिल्म जो बेसिकली बेस्ड है, ये दिखाया गया है लखनऊ में, जहाँ पे एक बहुत पुरानी हवेली है और उस हवेली में कई सारे टेनेंट्स रहते हैं, जिनमें से एक टेनेंट है आयुष्मान खुराना। और ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि जो टॉयलेट भी यूज करते हैं वो कोई मिश्रा जी हैं, उनका टॉयलेट उनको यूज करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, क्योंकि हवेली का टॉयलेट में उनको स्पेस नहीं मिलती है या उनको जाने की इजाजत नहीं मिलती है, जब भी जाते हैं कोई भीड़ भाड़ मिलती है। ओवरऑल आई थिंक ट्रेलर इज गुड। अमिताभ बच्चन तो आपको पता ही है, ही इज यू नो हिज एक्टिंग इज वंडर, और इसमें मेकअप भी उनका इतना अच्छा है। पा के बाद आई थिंक जो उनकी मूवी आई थी पा, अभिषेक बच्चन के साथ, उसके बाद आई थिंक दिस ये मूवी है जिसमें उनका मेकअप ऐसा है कि आप इमिडिएटली पहचान नहीं पाएंगे कि अमिताभ बच्चन ही है। आयुष्मान खुराना एज यूजुअल वेरी सीरियस जॉब, एक टिपिकल यू नो ऑर्डनरी गाय जो मतलब कुछ नहीं करता है, ही इज डूइंग सम यू नो ऑड जॉब्स, और उनसे उन पैसे लेते हैं, कॉलेज में पढ़ते भी हैं। तो इन सब का एक मिक्सचर है, अच्छी कहानी है। शील कुमार और रोनी लहरी जी की प्रोड्यूस्ड मूवी है। इनके पहले भी काफी अच्छी मूवीज आई हैं दोनों की साथ में, और देखते हैं इस मूवी का क्या रहता है। एंड ये मूवी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रिलीज हो रही है अमेजोन प्राइम पे 12 जून को। अमेजोन प्राइम आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अमेजोन पे नहीं मिलेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि बिना सब्सक्रिप्शन के मैं ये मूवी देख सकता हूँ, तो जी नहीं, आपको अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि है 999 रुपये का 1 साल के लिए। तो जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ही आप ये मूवी देख पाएंगे। ट्रेलर इज गुड, लेट्स सी ऑन 12th of June हाउ दी मूवी गोज। ऐसी धूमकेतु का भी आया था, ट्रेलर वॉज रियली अमेजिंग बट एट दी एंड मूवी वॉज बोगस। मतलब उसमें भी ये हो गया था कि मूवी कब बंद करे कब बंद करे, यार चल ठीक है, मतलब इट्स लाइक आप घर पे बैठे हो, अदरवाइज अगर आप वो टाइप की मूवी आप सिनेमा हॉल में देखने जाते तो डेफिनेटली आप ये होता कि यार पैसे बर्बाद गए। तो ट्रेलर इज रियली अमेजिंग, और देखते हैं 12 जून को। होप यू गाइस हैव एंजॉयड आवर रिव्यू एंड रिएक्शन, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें नीचे दिए हुए बटन के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का फायदा ये है कि जब भी आप बेल आइकन दबाएंगे और हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेवल बीस्ट की एक नई वीडियो आ गई है। उसके अलावा आपको एक काम और करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना।